यहाँ हिमाचल रचेव बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई। नमस्कार। इधर हिमाचल राज ने ऐसा सुंदर मंडप सजा रखा था कि उसकी शोभा वर्णित करते नहीं बनती। जैसे ही सबने सुना कि बारात नगर के निकट आ गई, चले लेन सादर भगवाना, करी बनाव सजी वाहन नाना। सब लोग नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर बारात का स्वागत करने चल दिए। मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गाव हिनारी। कंचन थार सोहो बर पानी, परिछन चली हरई हर्षानी। पार्वती जी की माता मैना ने शुभ आरती सजाई और अपने सुंदर हाथों में सोने का थाल लेकर प्रसन्नता के साथ भगवान शिव का परचन करने चली। उनके साथ की सभी स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। हे हर्षे सुरसेन निहारी, हरि ही देखी अति भय सुखारी। बिकट वेश रुद्रें जब देखा, अबलन उर भय भयउ विशेषा। जब उन्होंने देवताओं के समाज में अति सुंदर श्री हरि विष्णु को देखा तो सब स्त्रियां बहुत हर्षित हुई। परंतु जैसे ही महादेव जी को देखा तो उनके वेश को देखकर सभी डर गईं। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीन बोली गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। मैना को भी यह सोचकर हृदय में बहुत दुख हुआ कि उन्होंने अपनी पुत्री के साथ ये क्या कर दिया। और वह भीतर जाकर पार्वती को अपनी गोद में बिठाकर नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर रोने लगी। इधर भगवान शिव का आदर सहित सुंदर जनवासे में आसन देकर स्वागत किया गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने गणों को बुलाया और कहा, तुम पार्वती की माता के पास जाओ और उनके साथ सहानुभूति प्रकट करो तथा श्री हरि विष्णु की खूब प्रशंसा करो और उनके रूप का बखान करो। तब उनकी आज्ञा लेकर भगवान शिव के गण पार्वती जी की माता के पास गए और कहने लगे, माता ये हम क्या देख रहे हैं, अपनी पार्वती तो रूप में अप्सराओं को भी मात देती है। भला इनके लिए पूरे ब्रह्मांड में वर की कौन सी कमी है जो शमशान निवासी शिव के साथ तुम संबंध जोड़ने में लगी हो। श्री हरि विष्णु को देखो, कितने सुंदर हैं, सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, 16 कलाओं से संपूर्ण हैं। मुख पर मुस्कान ऐसी मानो उपवन में पुष्प खिल रहे हों। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम दूल्हा बदल सकती हो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक बार कह कर तो देखो, हम अभी मोर मुकुटधारी से बात कर लेते हैं, वे यही हैं, बारात में आए हुए हैं। मैना को उनकी बात सुहा गई और वह सहर्ष पार्वती के पास गई और उनसे शिव के गणों की सारी बात कह सुनाई। जनने ही विकल विलो की भवानी, बोले जुत विवेक मृदु बानी। अस विचारी सोचई मति माता, सो ना टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता तुम इतनी सोच मत करो, भाग्य में जो लिखा होता है वह टलता नहीं है। मैंने तो शिव के लिए तप किया है, मैं श्री हरि के बारे में सोच भी नहीं सकती। पार्वती के मुख से यह सब सुनकर उनकी माता और अधिक रोने लगी और कहने लगी, यह सब नारद का किया धरा है। नारद कर मैं कहा बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। असुपदेशु मही जिन दीना, बोरे बरहे लागी तपकीना। हाय विधाता, नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था जो मेरी भोली भाली पुत्री को उल्टी शिक्षा देकर मेरा घर उजाड़ दिया और मेरी नादान बच्ची ने उस पर भरोसा कर लिया और ऐसे बोरे वर के लिए तप किया। ते अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। तभी अचानक हिमाचल राज नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर वहाँ पर आ गए। उनको देखकर पार्वती जी की माता क्रोधित हो गई। तब नारद सभी समझावा,
पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनो मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। अजानादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला वपुधारिणी। तब नारद जी ने उनका क्रोध शांत करने के लिए पार्वती जी के पूर्वजन को कह सुनाया और कहा कि हे मैना, जिसे तुम अपनी पुत्री समझ रही हो वह तो साक्षात जगत जननी है। ये अजन्मा है और हर जन्म ये अपनी इच्छा से शरीर का त्याग करती हैं और अपनी ही इच्छा से लीला शरीर धारण करती हैं। यही जगत की उत्पत्ति करती हैं और यही पालन और यही संहार करती हैं। ये अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं और सदा ही भगवान शिव के अर्धांग में रहती हैं। इनके मिलन को 100 पर्वत भी यदि रोकना चाहें तो रोक नहीं सकते। तब मैना हिमवंतु अनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। जय भवानी। आज के हमारे प्रश्न हैं, पहला, महादेव जी ने अपने बदले किसको पार्वती का दूल्हा बनाने की बात कही? दूसरा, नारद ने क्या कहकर पार्वती की माता को विवाह के लिए मनाया? नमस्कार।